भागवत महापुराण का पहला स्कंद, दूसरा अध्याय और 15वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदनु ध्यायासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम चिंतन्ति कोविदस्तस्य कोना कुर्याद कथारमितम्। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट दे। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की और ध्यान नहीं देगा। तो यहाँ पर भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंदी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। और ऐसा कौन सा होगा जो उनके संदेश की और ध्यान नहीं देगा। गुरुदेव कह रहे हैं प्रभुपाद, आध्यात्मिक सुफलिंग के भौतिक तत्व के संपर्क में आने से एक ग्रंथि उत्पन्न होती है। अतः जो सकाम कर्म के चक्र से मुक्त होने का इच्छुक होता है उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। हरि भक्तों व माता बालको बालिकाओं, हम सब भगवान के हैं लेकिन आज भगवान से अलग हैं हम। जैसे कि गुरुदेव ने यहाँ बताया कि हमें भौतिक संपर्क में आने से एक ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। अतः जो सकाम कर्म के चक्र से मुक्त होने का इच्छुक होता है, सकाम कर्म, हम सब लोग सकाम कर्म में लगे हुए हैं, फल के लिए कर्म कर रहे हैं। पर याद रखो, कब तक, कितना कुछ कर लिया हमने, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, अरबों पति बन गए, एक गुरु महाराज समझा रहे हैं। भौतिक दृष्टि से हम चोटी पर पहुंच गए, ऊपर पड़ गए, लेकिन इनका परिणाम क्या। गुरुदेव कहते हैं मौत की एक चपेट के साथ सब खत्म। सकाम कर्म करके जो कुछ इकट्ठा किया, मृत्यु के द्वारा सब कुछ हरण हो गया, उसका कुछ भी बड़ा बड़ा काम नहीं आ सकता, धन नहीं काम आए कुछ भी। पर अगर हम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ये जो ग्रंथि है इसे काटना होता है, कर्म के चक्र से छूटना, ग्रंथि को काटना कर्म के चक्र से। हमने जो कुछ भी करना है भगवान के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं। अपने लिए कुछ भी करेंगे तो मरेंगे और नरकों में सड़ेंगे। मेरा मलिन मन माने या ना माने ऐसा ही होगा। पर अगर आप भगवान के लिए करेंगे तो तरेंगे और
वैकुंठ में जाके रहेंगे। तो मुक्ति का अर्थ प्रभुपाद कहते हैं यहां पर कर्म के चक्र से छूटना। कर्म के चक्र से छूटने का परामर्श शिक्षा महादेव भी दे रहे हैं शंकर भगवान। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शायनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाही मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते मतलब मूर्ख, हम सब मूर्ख हैं। क्यों? शंकर भगवान कहते हैं बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। हे मूर्ख, तू अभी गोविंद को भजो, इससे छूटने के लिए गोविंद की कृपा लो। कृपा ही पारे पाही मुरारे, मुरारे भी नाम गोविंद का ही है, मुरा राक्षस के जो बद करने वाले हैं। कृपा ही पारे पाही मुरारे, तो कैसे मिलेगी कृपा? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। केवल गोविंद के भजन करने से हमको उनकी कृपा मिल जाएगी। अभी गोविंद भगवान के बहुत नाम हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप, अनंत रूप है गोविंद भी भगवान का। गुरु महाराज समझाते हैं भगवान को कोई एक नाम नहीं है, जैसे जैसे उनकी लीलाएं होती हैं उनके अनुसार उनके नाम पड़ जाते हैं। अब जैसे गोविंद, गोविंद जो है गो के तीन अर्थ होते हैं। गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है धरती, गो का अर्थ है इंद्रिय, हमारी इंद्रिय। इन सबको जो सुख देने वाले हैं वो गोविंद है, बाकी कहीं में सुख नहीं है। पुरुष स्त्री में सुख ढूंढता है, स्त्री पुरुष में ढूंढती है, बाप बेटे में सुख ढूंढता है, कहीं सुख नहीं है। महादेव देवो में देव महादेव, बोलो महादेव भगवान की। वो कहते हैं सुख तो मिलेगा गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। और क्या को ही मतलब तीन बार कहा, और किसी को नहीं। तीन बार कहने का मतलब इसी बात पे बल दिया है, और कुछ और किसी को भी सम्मान सभी का करो। गुरु महाराज ने एक बार हमें समझाया, लंबी बात है, एक अमेरिकन ने मेरे को कहा कि तूने शिव जी को प्रणाम किया हूँ क्या? मैंने कहा क्यों नहीं क्यों नहीं। कहते प्रभुपाद कहते हैं कि हमें शिव जी को प्रणाम नहीं करना। तो मैं चला गया प्रभुपाद जी के पास। मैंने प्रभुपाद आपने कहा कि शिव जी को प्रणाम नहीं करने का, किसने कहा? मैं कि अमेरिकन वक्त कह रहा है। कहते मेरा नाम लेके कुछ भी कह दें, ये प्रभुपाद ने ये कहा, प्रभुपाद ने वो कहा, ये कह देते हैं। पर मैं ये शिव जी को क्या, हम सबको एक चिंटी का भी सम्मान करना चाहिए। चिंटी जो है छोटा सा जीव है, पर वो भी आत्मा है, उसका भी संबंध परमात्मा से है। कर्म से वो चिंटी बन गया है, सभी का सम्मान करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने मुझे, और शंकर भगवान गुरु महाराज ने कहा
वह भगवान के ही समान है। वो बहुत दया में है, बड़े दयालु हैं। आशुतोष उनका नाम है, आशुतोष भगवान जल्दी प्रसन्न होने वाले। क्या नहीं है गोविंद को भजो। अच्छा एक बात मैं आपको कहने वाला हूँ, एक धारावाहिक आ रहा है भक्तमाल, भक्तों की माला, भक्तों का चरित्र, कोई 500 साल पहले के नाभाजी हुए हैं, हनुमान वंश में उन्होंने ये भक्तमाल लिखा। उसमें सारे भक्तों के, जैसे हमारे संप्रदाय में कई संप्रदाय में बड़े बड़े अच्छे भक्त हुए, सबके नाम उनमें हैं, उनकी लीलाएं हैं, वो देखो। और देखो भक्ति बातें कौन कर रहा है बच्चों में, कोई खड़ा हो जाए वहां पर जाकर। हमें भक्ति चाहिए, उद्देश्य है भगवान को पाना। भगवान को पाने के लिए हमें भक्तों की कृपा चाहिए, भक्तों की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। एक वैष्णव है इधर ब्रिज में, गोवर्धन में रहते हैं, वो करुणदास उनका नाम है। उन्होंने ये बड़ी मेहनत करके ये धारावाहिक बनाया है। आई वो 15-16 तक, पता नहीं कितने तक पहुंच गए, हम देखते हैं ट्रैवलिंग में नहीं देख पाए, कल कुछ देखे हमने तो सभी प्रयास करो। कल मोबाइल सबके पास है, कंप्यूटर में देख सकते हो, आपको भक्तों के जीवन से बड़ी प्रेरणा मिलेगी। हम भक्तों की कृपा से ही भक्ति पथ में आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान रखो, लिंक जो है वो आप मधुप्रिया से ले सकते हैं, अपना भक्तमाल, भक्तों की गाथा उसमें देखने से जो है बड़ा प्रभाव पड़ता है। सुनने से भी है पर देखने से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप देखो और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ो। तो मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। अभी हम कर्म के चक्र में पड़े हैं, जन्म मरने के चक्र में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, शंकर भगवान ने कहा पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार फिर माँ के घर में आ रहे हो। यह संसार है बहु दुस्तार है, यह बुरा प्रभाव इस संसार का है। अभी तुम कृपा ही पा रहे, पाही मुरारे, मुरारे श्री कृष्ण की कृपा को ले लो। शंकर भगवान कह रहे हैं कैसे मिलेगी मुरारी की कृपा, भज गोविंदम गोविंदम भज मोहन मते, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। शंकर भगवान भी कह रहे हैं देवो में देव महादेव। तो भगवान का भजन करने देखो परम, जैसे एक कीट कीड़ा उसको भृंग पकड़ के ले आता है, यहाँ भी होते हैं ये, मैंने सब जगह देखे जीव, उसको भृंग पकड़ के लेता है, उसको लेके आता है और एक मिट्टी का घर बनाया होता है उसके अंदर उसको डाल देता है, ऊपर से मिट्टी लगा देता है। तो वो जो कीट है उसके अंदर भृंग का चिंतन कर रहा है, अभी आया अभी आया अभी आया, आता तो है नहीं, बस मुझे खा जाएगा, मुझे मार देगा। तो सतत वो कीट भृंग का चिंतन कर रहा है, होता क्या है वो भृंग बन जाता है।
हम भगवान नहीं बनना चाहते पर भगवान के दास बनना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो भगवान बनना चाहते तो कहते हैं पिता तो एक ही है ना, बोला वो पिता है पर मैं पिता की जगह वो ले नहीं सकता, तो कैसे लेगा। पिता अकेला ईश्वर कृष्ण और सबे भृत्य, ईश्वर नियंता कृष्ण है बाकी सब उनके सेवक हैं। तो हमें भगवान का सच्चा सेवक बनना है, और सेवक बनने का ये हुआ कि सच्चे सेवक बन गए हमारा मन संसार से विषय विकारों से मोह माया से हट गया और भगवान के चरणों में लग गया तो हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। वो कैसे, जब ऐसा हो गया और जो भक्त हैं उनको कई अच्छे अनुभव होते हैं। तो ऐसा जब हो गया तो अंत समय जब आएगा तो हमने जीवन भर चिंतन किया भगवान का, अंत में भी भगवान का नाम ध्यान में आएगा। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन की सफलता है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान का नाम हमारी जीभा पर रहे, ऐसा करने से जो है हमारा मंगल होगा, कल्याण होगा। जैसे अजामिल, अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। अजामिल की कथा सब जानते हैं। अजामिल जो है ब्राह्मण था, परिवार था, सब कुछ कर्मकांडी था, भक्त नहीं था, ज्ञान भी बड़ा था। तो वो जा रहा था जंगल में कुछ सामग्री लेने के लिए, कुछ कुछा घास लेने के लिए, सब यज्ञ करने के लिए चीज़ें जंगल में मिलती हैं। रास्ते में उसको एक वैश्या मिली और एक शूद्र मिला, दोनों गंदा व्यवहार करते हुए। अजामिल ने उनको देखा, शुद्ध भक्त नहीं था, मन उसका वैश्या से नहीं घटा। वो उसी वैश्या को अपने साथ ले आया, ये बानव ना के नौकरानी होगी। तो पत्नी उसकी समझ गई भाई ये वैश्या से संबंध रख रहा है अभी। तो वो जो है वो बेचारी सती साथ भी थी, पति को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। उस कुलटा स्त्री के संग से अजामिल बड़ा पतित हो गया, ब्राह्मण होते ही बड़ा पतित हो गया, भागवत में ये कथा है। और पूरी डिटेल में ये कथा भक्तमाल में है, ये भी आएगी, कैसे सब बताएंगे। देखने से बहुत कुछ याद रहता है। तो वैश्या से कितने ही बच्चे हो गए उसके, वैश्या से उसने अपना गृहस्त बना लिया। फिर एक दिन कान कुबिज का वो था अजामिल, तो वहाँ पर संत मंडली आई। भारत साधु संतों का देश है, संत मंडली आई, पूछो भाई कोई घर बताओ हमको जहाँ हमने भोजन करना है। किसी मूर्ख ने मजाक कर दिया, मूर्ख समझो उसको या कुछ भी समझो, अजामिल के घर जाओ। अरे गई बोल रहे, अजामिल के घर में आए तो अजामिल जी शिकार खेलने गए थे, ब्राह्मण वैश्या पत्नी घर में थी, वो हैरान भी संत हमारे घर में, उसने अच्छा व्यवहार किया उनसे, बैठा उठाया, कहते मेरे पति अभी गए हैं आ जाएंगे। संत बेचारे आ गए तो बैठे, इतने अजामिल आया, पत्नी जानवर मार के लाया है, वो खून लगा के एक जानवर इधर डाला है किधर डाला, उठा के ले आया सारा। पत्नी भी वैसे ही थी, वो ले आया तो झट जानवर से छुड़ाए,
नहाया उसको पड़ापन, अच्छे कपड़े पहनाए, तिलक भी लगा दिया, गले में कंठी डाल दी। कहते संत आए हैं उन सबको प्रणाम करना और उनको कहना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे घर में आए। वैश्य जानती थी कैसा है मेरा ये पति, नाम का जो पति है। बोलो क्या बोलोगे? कि मैं कहूँगा आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हुए। पत्नी कहती है वो वैश्य चुप कर, कुछ नहीं कहना। बैठ गया संतो, उन्होंने देखा, संतो ने कहा उसकी जो पत्नी वैश्या थी वो गर्भवती थी। संतो ने कहा कि तेरे घर लड़का होगा उसका नाम नारायण रखना। संतों को दया आ गई, नारायण रखा नाम। बेटा भी छोटा भी था, नारायण यहाँ नारायण इंद्र बैठो, नारायण मेरे साथ खाओ, नारायण सो जाओ नाम। अजा मिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भवसिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से हरि नाम लिए, भगवान का नाम लो। इतना पापी अजा मिल क्या होगा, आखिरी समय आ गया, हम सब कहाँ आ रहा है, कब किसी आएगा किसी को पता नहीं। हम भक्त नहीं होने के कारण सतर्क नहीं है, दुनिया में खोए हुए हैं। ये खोयापन बड़ा खतरनाक है। अच्छा मैंने जब नारायण जब यमदूत आ गए उसकी आत्मा को निकालने के लिए, बड़ी डरावनी शक्लें उनकी भयंकर, तो अजमिल जो है डर गया, देखकर घबराहट से यमदूतों को देखकर उसने घबराहट से उसके मुंह से निकला नारायण, अपने बेटे का नाम निकला नारायण। नाम लेते ही सारे पाप, क्योंकि उसका जो ध्यान उस समय उस शब्द में था, बेटे के नाम से मैं नाम भगवान का ही था, नारायण नाम भगवान का है, था ही नहीं था भगवान का नाम। तो अजमिल जो है नाम लेने से शुद्ध हो गया। तुरंत यमदूतों को भगाने के लिए विष्णु दूत आ गए, छोड़ो उसको, यमदूत ये बड़े शक्तिशाली, लेकिन विष्णु दूतों के सामने, नारायण दूतों के सामने नहीं खड़े हो सकते वो। तो उसने जो है विष्णु दूतों ने उनको भगाया, बड़ी लंबी कथा है। और अजमिल को कुछ देखा सा उसने, अभी उसने सब छोड़ के हरिद्वार चला गया, ये वर्णन आता है। वहाँ जाके रहा और भजन में लगने, सब बुरे कर्म सब छोड़ दिए, वैश्या को भी छोड़ दिया उसने। हरिद्वार उसका वास हुआ। फिर समय आ गया जाने, संसार याद रखो, जाना है सबने, जाने को जरूर याद रखो, ताकि हम अच्छे कर्म करके जाने की तैयारी करें। जाने की तैयारी यही है श्री कृष्ण शरणम, बस कृष्ण भगवान के चरणों में हमारा ध्यान, आखिर में निकल गया तो जाना सफल हो गया। तो क्या हुआ कि अंतिम समय जब आया जमिल का, विष्णु दूत आ गए जो पहले उसने देखे थे, जिन्होंने यम दूतों से छुड़ाया था, उन्होंने उनको प्रणाम किया। तुरंत एक दिव्य देह की प्राप्ति होती है, नरक में जाने के लिए एक यातना देह मिलती है और धाम में जाने के लिए दिव्य देह, दिव्य देह उसको मिल गई। विमान आ गया, विमान पर बैठकर वो पार्षदों के साथ गौलोक धाम वैकुंठ को चला गया। तो हमें ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, जाना है रहने तो किसी, कहते भाई जाना कब, मैं इधर ही रहूँगा, मैं क्या करना, वैकुंठ वैकुंठ शरीर तो छोड़ना ही है, नहीं भी हम नरक में जाना चाहेंगे तैयारी नहीं करें तो जाना पड़ेगा, जबरदस्ती होगी। तो हमें
ये समझना है, हमने धाम में जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, कर्म के चक्कर से छूटना है। वो अंत में जब अंते नारायण स्मृति, अंत में जब भगवान का नाम हो जाएगा तो हम कर्म के बंधन से छूट जाएंगे और दिव्य देह की प्राप्ति होगी और हम गौलोक धाम को, वैकुंठ लोक को चले जाएंगे। यही जीवन का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है, बाकी सब हमारे मलिन मन की उपज है। तो भक्तों के चरित्र से बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। ये जो भक्त मार धारावाहिक है, ये देखने से जो है, कोई एक हरिबोल एक स्क्रीन पे दिखा सकते हो, कोई एक दिखा दो, इन लोगों को कुछ लोगों को पता लग जाए। पिछला कोई, अच्छा कल दिखा देना फिर। तो आप देखो, अभी चल रहा है तुलसीदास जी का, तुलसीदास जी के बारे में उसमें वर्णन आया। तो अभी ये जब लिखा साहब उन्होंने चरित्र नाभा जी महाराज ने, तो अभी उनको प्रेरणा के सुमेरु किसको बनाना है, माला के ऊपर सुमेरु होता है, भक्त माल भक्तों की माला, सुमेरु माला के ऊपर जो होता है वो किसको बनाना है। तो एक दिन उधर भंडारा था, 500 साल पुरानी बात है, तो सब संत महात्मा आए थे और तुलसीदास जी नहीं जाते थे किसी भंडारा खाने के। शंकर भगवान ने कहा उनको, आप जाओ वहाँ के विनम्रता की मूर्ति, इतने बड़े तुलसीदास जी एक जगह बैठ के, जहाँ जूते रखे जाते हैं बैठ के, तो भंडारा परोसने वाला आ गया तो देखा उसे नहीं पता ही तुलसीदास जी हैं। बोला कि कहाँ डालूँ ये मैं, तो आपके पास पत्तल तो है नहीं। मैं एक संत की खड़ाऊँ पड़ी हुई थी, इस पर ही डाल दो, इस पर रख दो। उसको क्रोध आ गया, ये भगवान का प्रसाद तू जूतों पे डालना, कहते ये तो संत के जूते हैं, ये तो बड़े पवित्र हैं। शोर मच गया, नाभा जी आ जाएगा कौन है, उन्हों कहते ये इतनी विनम्रता की मूर्ति, यही मेरे सुमेरु होंगे। उन्होंने फिर उनका जीवन, सबसे पहले तुलसीदास जी का जीवन हाल लिखा उन्होंने। अभी चला बड़ा लंबा तुलसीदास सुमेरु तुलसीदास जी का जीवन आ रहा है। और देखो तुलसीदास जी को जीवन में बचपन में बड़े कष्ट उठाने पड़े, बहुत कष्ट उठाने पड़े, प्रभु की लीला। उनका जब जन्म हुआ तो 32 दांत हुए, जन्म लेते ही उनकी माता का देहांत तो हो गया, माता बड़ी बीमार हो गई। तो एक चुनिया नाम की उनकी दासी थी, चुनिया को कहा, चुनिया मेरे बच्चे को ले जा, मैं चली जाऊँ। कहते आप नहीं जाएंगे, मैं चली जाऊँगी, अपने ज्ञानी को नहीं दे दिए तुम उसका पालन पोषण करना। चुनिया बेचारी ले गई और माता ने शरीर छोड़ दिया। चुनिया दासी जो थी उसने 5 साल तक उनको पाला, उसका भी शरीर छूट गया। अभी जो बाप था तुलसीदास जी का, उसको पता लगा कि मेरा बेटा वहाँ पर है। तो अभी तुलसीदास जी की जब उनकी जो दाई माँ जो दासी जो भी थी जिनको उन्हें दिया था, उनकी माँ ने दिया था, वो बेचारी जो है उसने भी शरीर छोड़ दिया। तुलसीदास जी, लोगों ने सोचा, गांव के लोगों ने इनके बाप को, बाप कहता है मेरा, मेरे पास नाम मत लो उसका, उसने मेरी पत्नी को मार दिया जन्म लेते ही, कुछ भी हो मरे चाहिए, मैं नहीं उसकी शक्ल देखना चाहता, ऐसा सुनने में आया, देखा नहीं अभी हम। उनको भी तुलसीदास जी के बाप को किसी ने डांट लगाई थी बहुत बड़ी, पता है तेरे को, बोला था कहा था। तो बहुत अच्छे भक्तों के चरित्र आ रहे हैं, जिन्होंने भी, करुणादास जी ने
वो बार बार ये कहते हैं, करुणदास जी गोवर्धन में रहते हैं, ये कहते हैं कि ये जो बम्बई से जो फिल्में आती हैं, हमारे सनातन धर्म को नकारा जा रहा है, पीछे किया जा रहा है। क्यों? बाकी धर्म तो बस यही है, सनातन चार जो संप्रदाय के जो अंगत हैं वही धर्म है। और लोग अभी जो हैं भटक रहे हैं, दूसरे लोग इस धर्म को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ा वो अच्छा बोलते हैं उसमें। वो भी आप देखो, नियम से देखो, आधा घंटा रोज़, बहुत अच्छा लगेगा। कल आपको कुछ देखा, हमको दिखाया, फिर हम मिस कर गए उसको, आज फिर हम देखेंगे और बड़ा सुख मिलता है। तो ध्यान रखो, जो आपके संपर्क में आए उसको बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, उनको लाभ होगा, उनकी सोई हुई भक्ति जागृत होगी, जीवन सफल होगा। बोलो भक्तमाल ग्रंथ की जय, बोलो भक्तमाल की जय, बोलो करुणदास जी महाराज की, जिन्होंने ये बनाया। हम भी कभी सोचते थे भी ऐसा करें, पर पता नहीं कितना खर्चा उनका होगा, उन पर कृपा हुई है। तो प्रभुपाद शिक्षामृत हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम। आज 19 तारीख है, ये शिक्षा प्रभुपाद वृंदावन में दे रहे हैं। वृंदावन में प्रवचन किया था 19 तारीख 1977, उसमें से ये शब्द हैं। रोना एक महान दिव्य सुख है, रोना मंदबुद्धि इसे नहीं समझ सकते, जिनकी अकल कम है वो नहीं समझ सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु बस रोते रहते थे, ये रोना क्या था, भगवान के से उन्होंने भगवान भक्त रूप में आए, अपने से हर समय आंसू बह रहे हैं, हर समय रो रहे हैं, वह प्रेम है, वे इसे नहीं समझ सकते हैं। रोना कैसे सुखद हो सकता है, वह मायावाद है। जो लोग रोने को नहीं समझ सकते तो वो मायावादी हैं, जो भक्त हैं भावुक होने से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुरु महाराज बता रहे हैं वे भक्त जो हैं सुख का अनुभव करते हैं, रोने में सुख आता है। और जो भक्त भगवान के लिए भगवान की लीलाओं का स्मरण करके, भगवान के भक्तों का स्मरण करके जो लोग रोते हैं वे आनंद का अनुभव करें, दिव्य आनंद। और दुखियों के लोग रोते हैं, दुखियों के जो रोते हैं वो आंसू गर्म होते हैं, भगवान के स्मरण में जो आंसू बहते हैं वो ठंडे होते हैं। ये देखो, तो कल यहाँ छोड़ा था, आज वो दिखा सकते हैं कंप्यूटर में, यहीं बैठ के देख लेता हूँ, तो मैं यहीं बैठ के थोड़ा देखूँगा, जो देखना चाहे मेरे आगे पीछे खड़े हो सकते हैं और देख सकते हैं। बोलो परम भक्त महान वैष्णव श्रील प्रभुपाद की, बोलो नाभाजी महाराज की, बोलो तुलसीदास जी महाराज की, बोलो अनंत कोटि वैष्णवों की, हरे कृष्ण। चैतन्य विश्वंभर प्रभु एडमंटन से, हरे कृष्ण महाराज जी। क्या नाम? चैतन्य विश्वंभर। चैतन्य विश्वंभर, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हमारे केंद्र में एक भक्त है रोहित नाम से, वे आपसे एस्पायरिंग है,
आज उनका जन्मदिन है, कृपया आप उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें कि वे भक्ति में आगे बढ़ सकें और आपसे दीक्षा प्राप्त कर सकें। हमारी शुभकामनाएं उस भक्त के साथ में हैं और प्रभुपाद के चरणों में भी प्रार्थना करें आज अपने जन्मदिन पर। और जन्मदिन के समय तो वैसे लड्डू बांटने चाहिए, पर आप बड़ी दूर एडमिंटन में बैठे हो, एडमिंटन अल्बर्टा कनाडा में, तो वहीं भक्तों को जन्मदिन पर कुछ मीठा मुख करा देना जैसे भी संभव आपसे हो। हरे कृष्ण। कनाई सुंदरी माता दिल्ली से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, हम अपने जीवन में तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, इन गुणों को कैसे ला सकते हैं? देखो, ये प्रायः भक्त लोग ये प्रश्न करते हैं, हमें भक्ति करनी है, हर समय स्मरण करना है। जैसे ये भी मैं कई बार समझाता हूँ, महाप्रभु कहते हैं उठते बैसते खाईते सुईते, उठते बैठते खाते सोते यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम ले, देश काल नियम ना ही सर्व सिद्धि होए। ये नहीं कि अभी लेना अभी नहीं लेना है, सभी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी और सबसे बड़ी सिद्धि होगी कि कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो लगे रहना है, कैसे भक्ति, भगवान के ये शब्द हैं, नाम लेते रहना है, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय, कभी भी नाम नहीं छोड़ना। धीरे धीरे जब शुद्धि हो जाएगी तो सद्गुण आना शुरू हो जाएंगे। नैना तिवारी माता हैदराबाद से, हरे कृष्ण, मेरे प्यारे श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी तबीयत कैसी है? महाराज जी, प्रभुपाद जी और आपकी कृपा से भक्ति अच्छी चल रही है और प्रचार भी। क्या आपकी कृपा से? क्या भक्ति अच्छी चल रही है और प्रचार भी, आप और प्रचार भी हो रहा है महाराज जी, अब और भी लोग जुड़े हैं हमारे प्रचार से, एक पाकिस्तान से भी हैं और एक माता जी हैं सोनिया माता, ये सब आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, ये लोग आपका लेक्चर सुन रहे हैं, आप इन सब पर कृपा करें कि ये सब और मैं आपके दीक्षा के लायक बन सकूं और अच्छे से भक्ति कर सकें। मेरी शुभकामनाएं नैना माता और इन दोनों के लिए भी जो पाकिस्तान में हैं और दूसरे हैं, मेरी शुभकामनाएं, भक्ति पथ में आगे बढ़ो।